हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने चैप्टर नंबर 1 का कुछ पोर्शन किया था और बाद में कुछ पोर्शन रह गया था, तो वो चीज़ मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है? तो हमको बेटा एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 1.3 से हमारा बचा हुआ था, तो हमको 1.3 से करना था, 1.3 एंड 1.4, ठीक है? हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर जैसे √2, √3 ऑन द नंबर लाइन, ये मैंने आपको बता दिया था। तो एक्सरसाइज 1.3 से करना था, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच, ठीक है? तो हमको यहाँ से करना था, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगेन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, और फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ बेटा होमवर्क, बिकॉज इट इज जस्ट अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर के बाद या कौन से टाइप का ये डेसिमल है। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जैसे 36/100 है, ठीक है? अगर आप 36/100 करोगे तो ये आपका आएगा 0.36। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुका था कि व्हाट आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, तो ये आप लोग याद रखोगे। जैसे यहाँ 0.36 डेसिमल के बाद, यहाँ पर दो नंबर के बाद सीरीज एंड हो गई। एंड हो गई का मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ दो नंबर है हमारे पास, 3 एंड 6, तो देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल टर्मिनेटिंग नंबर। और हमको मालूम है अगर टर्मिनेटिंग है तो ये एक रैशनल नंबर होगा। वैसे तो ये सारे रैशनल नंबर हैं क्योंकि p बाई q के फॉर्म में है, तो आपको जस्ट बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और उसके डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, यू नो डेट 1/7। देखो अब जैसे 1/7 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ये आएगा 0.142857। बार लगा हुआ है देखो पूरे के ऊपर, यानी कि इसके बाद अगर आप और उसको लॉन्ग डिवीजन करोगे तो सेम वही आ जाएगा, 1, 4, 2, 8, 5, 7, राइट? तो ये चीज आप ख्याल रखना, ठीक है? नाउ क्या बोला है, नाउ यू कैन, नाउ सॉरी, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन? यस ऑफ कोर्स, अगर हमको मालूम है कि 1/7 का आंसर होता है 0.142857 बार, ठीक है? ये है 1/7 का, तो हमको बोला है कि बिना डेसिमल एक्सपेंशन किए या बिना लॉन्ग डिविजन के क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर हमको 2/7 का बताना है तो क्या हम 2/7 को ऐसा लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट 2 × 1/7, राइट? अब देखो हमको 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना था तो मैंने उसको लिख दिया 2 × 1/7। सो 2 × अगेन 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमको मालूम है क्या, 0.142857 बार, तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस डेसिमल एक्सपेंशन विद 2, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 2 × 7 = 14, 1, 2 × 5 = 10 एंड 1 = 11, अगेन 1, 2 × 8 = 16 एंड 1 = 17, अगेन 1, 2 × 2 = 4 एंड 1, 5, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 0, ठीक है? तो ये आ गया 0.285714 बार विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन। मैंने कोई लॉन्ग डिवीजन नहीं किया है, जस्ट मैंने क्या किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। वैसे ही आप जस्ट उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना और 6 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, वेरी इजी, राइट? नाउ थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखो हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है वेयर p and q are integers and q should not be equal to 0. अब कैसे करेंगे? Now this is a very important question. बहुत important है ये. One of the most important question chapter 1 का, ठीक है? और ये question expected है कि ये final exam में इस type के questions आपके आते हैं, ठीक है? ये non-terminating numbers हैं. अगर आप देखोगे तो terminate नहीं हो रहा है, repeat हो रहा है continuously, यानी कि ये non-terminating है, यानी कि recurring है, repeat हो रहा है, ठीक है? तो इसको हमको p by q के form में करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको 0.6 बार, ठीक? अब देखो ये दिया है 0.6 बार, तो आप
स्टेप बाय स्टेप मेथड है, जैसे मैं बताऊंगा आप लोग को उसको वैसे ही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एज्यूम करोगे, आप एज्यूम करना लेट एक्स इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बार लगा यानी ये इनफिनाइट टाइम सिक्स रिपीट होगा, तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट एक्स इज इक्वल टू 0.666 अप टू इनफिनाइट, राइट। नाउ अब हमको ये देखना है कि कितने नंबर के ऊपर में बार लगा है। एक्चुअल में इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक टाइप का तो ऐसा होता है कि डेसिमल के जस्ट बाद में बार लगा हो, ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि जिसमें डेसिमल नंबर के जस्ट, डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद में नंबर के ऊपर बार लगा है, और इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स छोड़ के बार लगा हो, जैसे, ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, या ऐसा बोल सकते हो 0.143 बार, ठीक है, यानी कि कुछ नंबर्स छोड़ के बार लगाओ, तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है और दोनों अलग अलग बनेगा। तो मैं हम पहले फर्स्ट टाइप की डील कर रहे हैं जहां पर डेसिमल के तुरंत बाद नंबर के ऊपर बार लगा है। अब जैसे यहाँ पर भी डेसिमल के तुरंत बाद नंबर में बार लगा है, तो हम पहले हम यही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो नाउ देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद हमको ये देखना है कि कितने नंबर के ऊपर में बार लगा है, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर में बार लगा है, एक ही नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्योंकि एक नंबर में बार लगा है हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि एक नंबर के बाद में एक एक ही नंबर पे बार लगा था, तो इसलिए मैंने दोनों साइड इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। अगर यहाँ दो नंबर के ऊपर बार लगता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, और अगर तीन नंबर के ऊपर बार लगा होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये आ जाएगा 10 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 10 इंटू 0.666 अप टू इनफिनिट, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब देखो बेटा 0.666 में अगर आप 10 मल्टीप्लाई करते हो तो ये डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये डेसिमल जस्ट एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666 अप टू इनफिनिट, ठीक है। तो लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 2, नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, इफ यू सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, तो अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, तो पहले सेकेंड इक्वेशन लिख लो 10x इज इक्वल टू 6.666 अप टू इनफिनिट, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन लिख लो x इज इक्वल टू 0.666 अप टू इनफिनिट, राइट। तो ये देखो, ये पूरा हमको अब सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है, अब आप माइनस करो 6 में से 6 जीरो, 6 में से 6 जीरो, 6 में से 6 जीरो, तो क्या ये पूरे इनफिनाइट टाइम्स जो 6 हैं ये सारे के सारे जीरो बन गए हमारे, ठीक। अगेन 6 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 10x माइनस x 9x, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 6/9, राइट। कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x आधा हमारा आ जाएगा 2/3, विच इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो हम इस टाइप से उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है, जब भी आपको डेसिमल के बाद कोई भी नंबर के ऊपर बार दिखे तो सेम स्टेप आप फॉलो करोगे। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ अपनी तरफ से, आप एक काम करना 0.23 बार का बना के देखिएगा याद से, ठीक है। अगेन इसमें दो नंबर के ऊपर में बार है, सेम वैसे ही बनाओगे, बस हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आपका आंसर आना चाहिए 23/99, ठीक है, जस्ट चेक इट आउट, राइट। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो, सेकेंड क्वेश्चन दिया है 0.47 बार, मैंने बोला ही था इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका हम सेकेंड भी कर लेते हैं 0.47 बार। अब देखो ये सेकेंड टाइप का है, दिस इज अ टाइप नंबर 2। नाउ व्हाई इट इज कमिंग अंडर द टाइप 2,
बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद जस्ट नंबर रिपीट होना चालू नहीं हो रहे हैं. देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ के नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो दिस इज अ टाइप नंबर टू. अब टाइप नंबर टू हमको कैसे सॉल्व करना है? नाउ सबसे पहले सेम एज्यूम करोगे कि लेट एक्स इज 0.47 बार, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0.4777 अप टू इनफिनिट. लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर वन. नाउ इस टाइप के क्वेश्चन में हमको ये देखना है कि डेसिमल के बाद ऐसे कितने नंबर हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं. तो अब देखो, डेसिमल के बाद ऐसा यहाँ पर कितना नंबर है जिसमें मार, या तो बोलना चाहिए रिपीट नहीं हो रहे हैं, या बोलना चाहिए बार नहीं लगा हुआ है. तो डेसिमल के बाद ऐसा कितने नंबर है जिसमें बार नहीं लगा है? सिर्फ ये एक नंबर है, दैट इज 4. यानी डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ ये एक नंबर ऐसा है जिसमें बार नहीं लगा है, बाकी उसके बाद 7 जो है उसमें बार लगा हुआ है. तो क्योंकि यहाँ एक नंबर के ऊपर में बार नहीं लगा है, तो यहाँ हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो क्या हो जाएगा? 10x मस्ट बी इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 अप टू इनफिनाइट. तो क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू 4.7777 अप टू इनफिनाइट. राइट नाउ, तो क्या अब यहां से क्वेश्चन हमारा बन गया? क्या आप बोल सकते हो आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो गया? ठीक है, तो देखो नहीं, अभी हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ है. हमको बहुत ध्यान देना है यहाँ पर. ठीक है, अगर अभी आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा. ठीक है, तो फिलहाल अब इसमें करना क्या है? पहले तो हमने ये कर दिया कि ये देखा कि डेसिमल के बाद कितना नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो एक नंबर नहीं हुआ, तो उसके लिए हमने कर दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. तो ये आ गया आपका 10x इज इक्वल टू 4.7777. नाउ बेटा टेक इट एज इक्वेशन नंबर टू. अब आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये इसको हमने यहाँ पर देखो 4.777, तो क्या ये 4.7 बार बन गया? तो क्या अब ये फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट हो गया? राइट, फर्स्ट टाइप क्या था हमारा? अगर डेसिमल के बाद नंबर के ऊपर में बार लगा है, तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया फर्स्ट कैसे करना है. तो अब यहाँ पर से आपको पूरा वही स्टेप फिर से रिपीट करना है जो हमने फर्स्ट को करने के लिए किया था. यानी कि देखो, यहाँ पर एक बार आपका ये 4.77777 आ गया. अब वापिस से हम वही करेंगे कि यहाँ पर देखो कितना कोण कितने नंबर के ऊपर में बार आएगा. इट इज नथिंग बट इक्वल टू 4.7 बार, यानी कि एक नंबर के ऊपर में बार लगाए. तो फिर से हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, क्योंकि अब देखो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 777 कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, यानी 4.7 बार है क्योंकि एक नंबर के ऊपर में बार है. तो हम इसमें फिर से करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. ठीक है, देखो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने अभी किया ना, इसको हमने फर्स्ट सेकेंड टाइप से फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट किया. ठीक है, ये बस ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस किया है उसको हमने सेकेंड टाइप को फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट किया है. अब अगेन इसके आगे आपको सॉल्व करना है, तो फिर से जैसे हमने फर्स्ट टाइप को किया था वैसे करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा था. तो बताओ क्या हो जाएगा? 10 tens 100x n इनटू 4.777 अप टू इनफिनिट. ठीक है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100x मस्ट बी इक्वल टू 47.777 up to infinite. Now let this be your equation number 3. Now just subtract equation 3 and equation 2. Now we will subtract. First equation छोड़ दो, है ना? We will subtract equation 3 and equation 2. Just subtract it. तो क्या आएगा बताओ? ये हम लिखेंगे इक्वेशन 300x मस्ट बी इक्वल टू 47.777 अप टू इनफिनिट. और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा इक्वेशन 2, 10x मस्ट बी इक्वल टू 4.777 अप टू इनफिनिट. तो अब ध्यान से देखो, अगर ये इनफिनिट टाइम्स अगर हम देखें तो ये सारे के सारे जीरो बन जाएगा. राइट, अगेन अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 47 माइनस 4 करो, तो 47 माइनस 4 अगर आप करते हो तो कितना बचेगा?
43, right? So 43 must be equal to now 100x minus 10x. So 100x minus 10x kitna ho jayega aapka? 90x, right? Sorry, 90x. तो बताओ x कितना आ गया आपका 43 अपॉन 90, जिसको आप कैंसिल अगर करते हो तो ये कैंसिल भी हो जाएगा. ओह सॉरी सॉरी, कैंसिल मेरे ख्याल से नहीं होगा, राइट? नहीं, तो दैट मस्ट बी योर आंसर, 43 अपॉन 90. ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, बस मेरे स्टेप्स मैंने आपको जैसे जैसे बताए ये स्टेप्स आप बिल्कुल फॉलो करते जाना, आपका बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा. एक क्वेश्चन मैं और देके जा रहा हूँ, आप इसको जरूर ट्राई करना. जैसे एक क्वेश्चन है 1.47 बार, ठीक है? अब देखो, या तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट देता हूँ, 1.234 बार, ठीक है? ये क्वेश्चन अगेन आपके लिए मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, इसको जरूर बना के देखना. अगेन देखो, यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर के बाद रिपीट हो रहे हैं दो नंबर. तो आप सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर में बार नहीं लगा है. तो फिर वो सेकंड टाइप से फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फर्स्ट टाइप को हम जैसे बनाते हैं वैसे ही पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है? होपफुली आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. नाउ जंपिंग मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो बेटा ये क्वेश्चन आप बना के देखोगे, 0.0 बार. मैंने आपको टाइप वन और टाइप टू दोनों समझाया है, तो थर्ड क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है? नेक्स्ट दिया है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस. अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगेन याद रखना, ये जो 0.999 होता है, इट इज नथिंग बट 0.9 बार, ठीक? 0.9 बार. अब बोला है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. और अगर बेटा आप इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लेके आओगे ना, तो आप बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट आता है. अगर आप इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लाओगे, तो आपका फाइनली जो एक्स आएगा वो आएगा 9/9, जो कि कैंसिल होके 1 आता है. यानी कि अगर हम इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. तो यही हमको उसमें बताना है. वो बोल रहा है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, यानी कि 0.9 बार को जब तुम पूरा फर्स्ट टाइप के हिसाब से सॉल्व करोगे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो आपका आंसर आएगा 9/9. तो जब आप उसको कैंसिल करोगे ना, आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है? तो अब बताओ आंसर कैसे 1 आ रहा है, जबकि हमने डेसिमल तो 0.999 लिया था, ठीक है? तो उसमें इसलिए पूछा है कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर. अब देखो सरप्राइजिंग तो है, क्योंकि 0.99999 किया था, तो उसका तो 1 तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 का लॉन्ग डिवीजन करोगे तो क्या आएगा. विथ योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस द आंसर. तो बेटा ये जो 0.999 है ना, 0.99999 अप टू इनफिनिट, दैट इज एक्चुअल में कंसीडर इट एज अ 1. तो एप्रोक्सीमेटली वो 1 ही हो गया. और कभी भी हम जब किसी भी नंबर लाइन में दो नंबर के बीच में नंबर देखते हैं, तो इनफिनिट नंबर्स होता है. दैट इज व्हाई डेसिमल के बाद अगर तुम अगर हम डायरेक्टली 1 तो स्केल में हम देखते हैं, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली दो नंबर के बीच में आप कोई नंबर ढूंढोगे, तो आपको इनफिनाइट नंबर्स मिलेंगे. खैर वो टॉपिक आपका कट हो गया है. तो फिलहाल आपको मैंने समझाया, दैट इज अ एप्रोक्सीमेट वैल्यू, 1 इज एन एप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्चुअल आंसर आपका ये आता है, ठीक है? नाउ लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाय क्यू, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? Oberoi, look at the several example of a rational number in the form of p by q, where p and q with a no common factor other than having a terminating decimal representation. Can you guess the property of q must have? Bilkul hum guess kar sakte hain. अगर हमको टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर मिलता है, तो ये आपके लिए नोट है, ये आप लोग नोट डाउन करना. अगर हमको कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आता है, याद रखना, कभी भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आता है, ठीक है,
तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, यानी अगर हमको उसको बोलता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखो, तो उसका ये जो क्यू होगा, क्यू मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5 की पावर एन बीटा। तो हमेशा क्यू मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5 की पावर एन, राइट? तो हमेशा याद रखना। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो 0.36 है, अगर 0.36 को आप पी बाई क्यू के फॉर्म, क्योंकि अब देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, राइट? यानी पॉइंट के बाद यहाँ पर आगे नंबर्स नहीं है, ये टर्मिनेट हो गया, यानी 6 के बाद आगे नंबर नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ इज नथिंग बट 36/100, राइट? इसको हम लिख सकते हैं 36/100। अब बेटा देखो, अगर तुम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो याद रखना इसको, देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10, राइट? 10 × 10, 36/100 को लिख सकते हैं 10 × 10। अब बताओ 10 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 × 5 × 2 × 5, राइट? समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर कभी भी कोई टर्मिनेटिंग रहेगा तो देखो डिनोमिनेटर में क्या आ सकता है, या तो 10 आएगा, या तो 100, या तो 1000, हमेशा इसी टाइप के नंबर्स आएंगे। तो देखो क्या हम इसको 10 × 10 × 10 के फॉर्म में तो हमेशा ही लिख सकते हैं। अगेन 10 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 × 5 आ जाता है, अगेन ये भी 10 का करूंगा तो 2 × 5 आ जाता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट 36/, ठीक है, 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, क्योंकि 2 × 2 become 2 का स्क्वायर और 5 × 5 become 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 36/2 × 5 का स्क्वायर। तो यही चीज एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कोई भी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर लेते हो तो उसका जो क्यू रहेगा दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5 की पावर n, ठीक है? अब ये n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इट कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, डिपेंडिंग अपॉन योर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है? तो बेटा इसका आंसर ना, ये जो मैंने आपको समझाया अभी अभी, ये सेम चीज आपके बुक में लिखी हुई है, पीछे तरफ रीजन लिखा हुआ है पूरा का पूरा अच्छे से बिल्कुल, ठीक है? तो वहां से आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू क्लास।